मई के महीने में मध्य प्रदेश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौसम विभाग ने 20 से 23 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और 25 मई से नौतपे की शुरुआत होने वाली है, जिससे गर्मी और भी बढ़ सकती है। लू के साथ रात का तापमान भी बढ़ेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव अलर्ट जारी किया है, जिसमें राजधानी भोपाल के साथ इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, दतिया, सागर, भिंड, मुरैना और उज्जैन भी शामिल हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, सीनियर साइंटिस्ट मौसम केंद्र भोपाल। जैसे पिछले 24 घंटों में बताया गया था, मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में हीट वेव या लू का प्रभाव रहेगा, जबकि दक्षिणी और मध्य हिस्सों में कहीं कहीं पे आंधी तूफान के साथ धूल भरी हवाएं और साथ में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उसी क्रम में प्रदेश के जो उत्तर पश्चिम हिस्से हैं, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग और उज्जैन संभाग के हिस्से और कुछ जिले इंदौर संभाग में धार और झाबुआ, साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में लगभग चारों जो रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग, इन जिलों में हल्की बूंदाबांदी, कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा, जिसमें अनूपपुर और रतलाम में 10 से 20 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। दूसरी ओर प्रदेश के कुछ जिलों में आंधी तूफान और बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। मौसम विभाग ने बताया कि छिंदवाड़ा, अशोकनगर, शिवपुरी और मेहर के साथ कुछ अन्य जगहों पर तापमान कम रहेगा और बारिश होने की संभावना है। आगामी अगर 24 से 48 घंटों की बात करें, तो अभी फिलहाल जो आप सैटेलाइट विंड इमेजरी में देख सकते हैं, एक चक्रवाती घेरा साथ में पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश के आसपास यहाँ पे सक्रिय, जबकि ईरान और पाकिस्तान के आसपास एक पश्चिम विक्षोभ और साथ में एक ट्रफ लाइन जो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर जा रही है। इसकी वजह से आज भी क्लाउडीनेस है, कई जगह पे हल्की बूंदाबांदी का दौर अभी चल रहा है। और इसी के चलते हुए जो हमने अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है, इसमें आप देख सकते हैं लगभग पूर्वी मध्य प्रदेश के सभी जिले, जिसमें रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग के जिले, जबकि राजस्थान से लगे हुए उज्जैन संभाग के जिले और ग्वालियर चंबल संभाग के जिले, यहाँ पे धूल भरी हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कहीं कहीं पे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं, साथ ही वज्रपात की घटना भी देखने को मिल सकती है। सोमवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा। भोपाल, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, मुरैना, शाहजहांपुर, टीकमगढ़, रतलाम, धार, शिवपुरी, खरगोन, दमोह, सतना, रायसेन, खंडवा, सागर, गुना, नौगांव, भिंड, खजुराहो, निवाड़ी और जबलपुर में सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की गई। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में सबसे ज्यादा तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार 23 मई को भोपाल में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। वहीं पे ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, यहाँ पे हीट वेव, जो सीवियर हीट वेव माने तापमान जो है वो 46 से 47 डिग्री के आसपास यहाँ पे जा सकता है। जबकि दूसरे जो जिले हैं, जिसमें नीमच, मंदसौर, रतलाम, श्योपुरकला, मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़ और रसागर और रीवा संभाग के जिले, यहाँ पे 24-48 घंटों के दौरान हीट वेव का चांसेस रहेगा, जहाँ पे तापमान जो सामान्य से 4.5 डिग्री से ज्यादा अधिकतम तापमान, या फिर क्वांटिटेटिवली ये 45 डिग्री या फिर उससे भी ज्यादा जा सकता है। हीट वेव की जो कंडीशन है, यहाँ जहाँ जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट आप मैप में देख सकते हैं, डे 3 में भी माने 72 घंटे बाद भी प्रिवेल करेगा, और डे 4 डे 5 की भी बात करें तो लगभग प्रदेश के अधिकांश हिस्से, अगर हम जबलपुर संभाग के कुछ जिलों को छोड़ दें, तो लगभग पूरा प्रदेश हीट वेव की चपेट में ये 24 से 25 मई के आसपास, जो इस महीने के अंत तक बना रह सकता है, ये संभावना अभी दर्ज की गई है। बैतूल, विदिशा, सागर और उत्तरी छिंदवाड़ा में बिजली के साथ ओले और तेज हवाएं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावनाएं हैं। साथ ही उत्तरी भोपाल, राजगढ़, अशोकनगर, शिवपुरी, दमोह, सिवनी, पांडुर्ना, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज और शाजापुर में मध्यम धूल तूफान, बिजली और ओलेवृष्ट होने की संभावना जताई गई है। हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। शाम के समय इंदौर, देवास, गुना, सीहोर, आगर, मेहर, कटनी, मंडला, सीधी, छतरपुर, श्योपुर कला, मुरैना, धार, उज्जैन, मंदसौर और रतलाम जिलों में बिजली के साथ हल्की गरज और बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा समय समय पर जारी जो स्पेशल हीट वेव बुलेटिन है, वहाँ पे कौन कौन से जिलों में किस तरीके से हीट डिस्कम्फर्ट है, लो, मॉडरेट या हाई, वो बताया जा रहा है। साथ में जनसाधारण को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो भी उसमें दर्ज किया जाता है, जिसपे हम आग्रह करते हैं लोगों से कि जो CAPSHA के द्वारा जो डायरेक्ट SMS के थ्रू वार्निंग भेजी जा रही है, साथ में जो प्रेस या मीडिया के माध्यम से है, उनको लोग अपने दैनिक दिनचर्या में अमल करें। धन्यवाद। मंगलवार को रायसेन और रांची में बिजली के साथ मध्यम गरज और बारिश जारी रहने की संभावना है। साथ ही रात के समय उत्तरी भोपाल, विदिशा,
उदयगिरी, नरसिंहपुर, सागर, देवास, दमोह और ढिंडोरी में बिजली के साथ हल्की बारिश भी चल सकती है। लोकल 18 के लिए भोपाल से ऋतिका तिवारी की रिपोर्ट।